अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में है बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। अस्सलाम वालेकुम। हाइलाइट्स ऑफ लाइफ मेरे चैनल का नाम है। यूट्यूब पर वर्ल्ड D20 का पॉडकास्ट है। टीम्स के रिव्यू कर रहे हैं। आज तीन टीम है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। इन अच्छा, तीन दो टीमों। फेवरेट टीम है इनमें से। ऑस्ट्रेलिया तो डाउन एंड आउट लग रही है मुझे। इंडिया के खिलाफ भी बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है एस्पेक्ट में। आ जाओ जी, पहले पहली टीम तो मैं वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया। चैंपियन, ओडीआई वर्ल्ड चैंपियन को दिखा दो पहले तो। अच्छा जी, तो हमारे पास, बल्कि हम पहले ले लेते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अच्छा जी, एरन फिंच कैप्टन, जॉश हेजलवुड, ग्लेन मैक्सवेल, मिचेल स्टार्क, मैथ्यू वेड, डैन क्रिश्चियन रिजर्व में, एश्टन एगार, जे इंग्लिस और के हाँ, रिचर्डसन, मार्कस स्टोइनस, डेविड वार्नर, एन एलिस रिजर्व में, पैट कमिंस, मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ, मार्क स्वेम्सन, एडम जैम्पा और डैन सैम्स रिजर्व में। तो तीन डेनिस। क्रिश्चियन, एलिस और सैम्स, ये रिजर्व में। अच्छा, मैं कुछ भी शुरू करने से पहले ना बता दूं, डेविड वार्नर, एरन फिंच, हेजलवुड और स्टीव स्मिथ, इन सब का ये आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा। इसके बाद ये लोग सब रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। उसकी उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का 15 साल बाद चीफ सिलेक्टर तब्दील हो गए ट्रेवर रोड्स। चला जहाँ गया 15 महीने टिकते वहां 15 साल बाद 15 साल एक चीफ उसका सेलेक्टर। ये तो बस। अच्छा, मैं पढ़ के खुद परेशान, मैंने कहा शायद 1.5 ईयर लिखा होगा कहीं, पॉइंट वॉइंट ढूंढ रहा था मैंने कहा यार तो ये तो इसने मेरा बकरा बना दिया, मेरे तो दो सीख नहीं चला। 15 साल उसने वो किया और देखें आपने, उसने हर नशीबो फराज ऑस्ट्रेलिया की इनविंसिबल टीम भी की ना, वो जो 2005-06 के बाद से इन्होंने दो वर्ल्ड कप जीते थे और बला बला। तो ये कंसिस्टेंसी जो है ना, वो अब आएगा मजा। अब आएगी ऑस्ट्रेलियन टीम में जो सबसे बड़ा वो आएगा ना, मुश्किल मरहला वो आएगा जब ये फिंच और ये सब रिटायर हो जाएंगे। ये लास्ट T20 इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये जो बायो बबल्स की वजह से, वैसी बायो बबल की वजह से बहुत सारे प्लेयर वैसी फटीग का शिकार। और ये इयान स्मिथ की, मैं आपको बता रहा हूँ, इयान स्मिथ की ऑस्ट्रेलियन टीम में जगह नहीं थी। आप अगर आप वेस्ट इंडीज के टूर पे जाएं या अगर बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 हुए थे उनमें आप जाएं तो लगेगा आपको कि इस टीम इसमें तीसरे नंबर का प्लेयर है, उसकी जगह स्टोइनिस और मार्श को खिला रहे। ये हमारी अपनी टीम के लिए भी थोड़ा सा सबक है कि T20 जो है ना, वो अब पहले होता था कि आप 20 ओवर या ये वो वाला बना, लेकिन अब है सिर्फ और सिर्फ छक्के मारने वाला गेम। जो छक्के मारेगा ज्यादा वही जीत जाएगा मैच बस। तो तो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्ट्रेलिया की टीम चांसेस में क्या है ये देखेंगे बताएं। भाई, ये ऑस्ट्रेलियन टीम सबसे थकी हुई परफॉर्मेंस होगी। ऑस्ट्रेलिया अच्छा जी, सबसे न्यूजीलैंड की थकी टीम। हुई, न्यूजीलैंड की टीम। आप पहले बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सिलेक्शन। केन विलियमसन, लॉकी फर्गोसन, ग्लेन फिलिप्स, टॉड एस्टल, मार्टिन गप्टिल, मिच सेंटनर, ट्रेंट गोल्ड, काइल जेमिसन, टिम साइफर्ड, मार्क चैपमैन, डैरल मिचेल, इस सोदी, डैन कॉनवे, जिमी नीशम, टिम साउदी, एडम मिल। एडम मिल ने इसमें रिजर्व है, बाकी सारे टीम में शामिल। अब मुश्किल पता है क्या, न्यूजीलैंड ने बिल्कुल बेस बेस बहुत अच्छी बनाई है। या तो आपके पास यूएई की कंडीशन में आउट एंड आउट फास्ट बॉलर होना चाहिए, या फिर आपके पास एक ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो गेंद को टर्न कर सके। स्ट्रेट इंडियन न्यूजीलैंड ने बीच में कुछ नहीं लिया ना, कोई मीडियम पेसर है कि मीडियम पेस टाइप का बॉलर हो जो लेंथ नॉर्मल लेंथ पे कराए और पिटे। स्पिनर लिए हैं प्रॉपर, जो आपको पता है पिचेस स्लो होंगी, और फास्ट बॉलर लिए हैं, अगर वो कमर अपनी पटकेंगे
तो उनको उस हिसाब से शायद विकेट भी मिल जाए। फिर भी अभी न्यूजीलैंड ने यूएई में काफी अरसा हो गया, यानी स्लो पिचेस पे काफी अरसा हो गया मैचेस नहीं खेले, लेकिन फिर भी एक सेमीफाइनलिस्ट है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड अभी हम प्रीव्यू कर रहे हैं, तो इन दोनों में से एक तो पक्का सेमीफाइनलिस्ट है, तीन न्यूजीलैंड। आई गेस के टॉड एस्टल की जगह एजाज पटेल को होना चाहिए। वो टॉड एस्टल तो मुझसे भी कम वो करता है स्पिन, यानी मैं अगर रिस्ट स्पिनर होता तो मुझसे भी कम स्पिन होती, बस वो करीब, पहले हम कहते नहीं थे गली की क्रिकेट में कि करीब से भाग के आता तो इसलिए स्पिनर है, तो वही शायद वाला सीन है, करीब से भाग। बैटिंग की वजह रिडिकुलस, से रखा हूं। लेकिन एक बात बता दूं, इससे हमारे मायनास ओपनर T20 के रिजवान इससे आउट हो गए थे जब पाकिस्तान खेलने गया, बाबर रिजवान सब आउट हो गए थे इससे। टॉड एस्टल रॉड स्टिल से फिर तो बड़ा बॉलर है यार, फिर तो बड़ा बॉलर है। अच्छा जी, इंग्लैंड की टीम पे आ जाएं अब। इंग्लैंड की टीम है, अच्छा जी किधर गई इंग्लैंड की टीम। जेसन रॉय, जॉस बटलर, दावीद मलान, ओवन मोर्गन, जॉनी बेयरस्टो, लियम लिविंगस्टन, सैम बेलिंग्स, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, क्रिस जॉर्डन, टिमाल मिल्स, आदिल रशीद, टॉम करन। अब कहीं से कोई जगह ही नहीं छोड़ी। नहीं, ये तो बहुत जबरदस्त है, इयन मॉर्गन, ये एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो कह रहा है अगर मेरी फॉर्म ऐसी रही तो मैं खुद ड्रॉप हो जाऊंगा। और तो भाई तू कौन है, तू तो कौन सी दुनिया में रहता है, कहाँ से आया भाई, तू किस किस्म की हमारे बातें कर यहाँ रहा तो है, तू जो ये शर्म दिला सबसे जी। फारिग आदमी होता है उसको कैप्टन बना देते हैं। हाँ अभी तो दौर थोड़ा बदल गया है, बाबर को एक कप्तानी तो शायद छोड़नी पड़ेगी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं अगर ओवेन मॉर्गन से वो करूँ तो पिछले मेरे ख्याल से 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से 6 साल से कप्तानी कर रहा है। 2016 में सेमीफाइनल फाइनलिस्ट था T20 वर्ल्ड कप का, 2017 में सेमीफाइनलिस्ट था चैंपियंस ट्रॉफी का, 2019 में वर्ल्ड चैंपियन था, इसके अलावा 2021 का T20 अच्छा होगा सेमीफाइनलिस्ट इंग्लैंड। हाँ बस मुझे डर पता है क्या है, डर ये है कि एक ही तरह के बहुत सारे प्लेयर हैं, रूट की कमी लगेगी किसी ना किसी मैच में। वो क्यों लगेगी कि आप मतलब ऑल इन ऑल अगर आप देखो तो ये पिचेस अभी बन जाएंगे रेंडमली 190 180, लेकिन हर मैच में 190 180 नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई मैनूवर करने वाला बॉल के साथ एंगल्स के साथ खेलने वाला पिच पे खड़े होके, चाहे वो 30 बॉलों में 35, 30 बॉलों में 37, 30 बॉलों में 40, इस तरह रन बनाए, नहीं कि 30 बॉलों में 45 या 30 बॉलों में 50 वाले स्कोर आपको थोड़े कम नजर आए। तो इंग्लैंड के पास जो है ना बंडल है, डेविड मिलान रुक के खेलेगा, इयन मॉर्गन रुक के, ये इनके रोल है जो मुझे पता है, जो मैचेस देखता हूँ मैं उनको पता होता है कि हम दोनों ने रुक के खेलना है। तीसरा प्लेयर जो है ना एक राइट हैंडेड होना चाहिए। अच्छा वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑन द बेसिस आपने न्यूजीलैंड, आपने इंडिया और इंग्लैंड की जो अभी साल के स्टार्ट में T20 हुए थे, T20 थे और 5 टेस्ट थे और 3 वनडे थे, हाँ शायद ये सीरीज थी, तो 3 T20 में अब जब आप बैटिंग देखते थे ना, तो बैटिंग देखने में इयन मॉर्गन, मुइन अली और डेविड मिलान और एक लेफ्ट हैंडर और था सैम करन, ये ना लगातार आते थे। तो इंडिया ने एक स्ट्रेटेजी मेंटेन की थी कि उनको राइट हैंड राइट आर्म बॉलर यानी राइट हैंड बॉलर जो है मीडियम पेसर, वो इतनी पेस पे कि वो हिटेबल पेस ना हो, आउट आउटसाइड ऑफ स्टंप जो यॉर्कर होती है, जो वाइड के लाइन होती है उससे पहले वहां पे यॉर्कर बॉले करते रहे, इन तीनों के पास चारों के पास कोई जवाब नहीं। हाँ अगर विकेट के दरमियान में या लेग स्टंप पे या ऑफ स्टंप पे बॉल होगी तो वो मार रहे थे, लेकिन वाइड यॉर्कर जो है ना उससे बहुत अच्छा कंटेन किया था, और इंग्लैंड एक मैच में 200 चेस करने के करीब था लेकिन 198 या इस तरह बनाकर रुक गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड को जो है ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीच में रूट इनको कहीं कम पड़ जाएगा, और वो कम कहाँ पड़ेगा, कोई ऐसा मैच जिसमें शुरू की 2-3 विकेटें गिर जाएंगी और फिर जो है रुक के खेलना होगा वहां पे शायद, बाकी टीमों को तो ये जेर कर लेंगे, इनको जेर करने में मुश्किल होगी इंडिया को,
इनको जेर करने में मुश्किल होगी। अगर थोड़ी सी अकल से बॉलिंग की पाकिस्तानियों ने तो पाकिस्तान को, और इनको जेर करने में मुश्किल होगी न्यूजीलैंड, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कंडीशंस के हिसाब से चलेंगे ये टीमें। पाकिस्तान तो आपको पता है दो स्पिनर, तीन, दो कन्वेंशनली खिलाएगा। इंडिया ये है जो तीन स्पिनर खिला रहा है, दो कन्वेंशनली खिलाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा डीपली सोचे ना मैचेस, क्योंकि हर मैच एक टोन में नहीं चलता। आपको पता है T20 में एक ओवर में 3 विकेट गिर गए, आपका पूरा मैच का बैलेंस चला गया, या 6 ओवर के अंदर 3 विकेट गिर गए तो मैच का बैलेंस आउट हो जाता। थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन फिर भी पोटेंशियल सेमीफाइनल, फाइनल हमें नहीं पता, हो सकता है कोई लकी हो कोई अनलकी हो। ये तीन टीमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और इंडिया, ये तीन टीमें करीब करीब हैं सर। ठीक है, यानी एशिया से जो है दो टीमें कम से कम सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। आपका कहना ये है कि इंग्लैंड अरे और न्यूजीलैंड घर से। एशिया के साथ प्रॉब्लम ये आ रहा है, श्रीलंका इस वक्त टर्मोइल का शिकार है। बांग्लादेश की जो टीम मैनेजमेंट है रसल डोमिंग को, वो जो है वो रोते हुए ड्रेसिंग रूम से निकले थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनको वापस बुलाया गया कि भाई आप कम से कम ये असाइनमेंट पूरी करके जाए। पाकिस्तान अभी 1.5 हफ्ता 2 हफ्ते पहले जो है वो अपनी सब कुछ चेंज करके बैठा है, और बांग्लादेश का हाल बना हुआ। ये तीन टीमें तो बिल्कुल इस वक्त अजीब सिचुएशन में, नहीं, तो पता नहीं वो प्लेयर्स कैसे निकल। पाकिस्तान तो हर वर्ल्ड कप से पहले यही करता है। पाकिस्तान तो आदी ही है। पाकिस्तान के लिए तो बल्कि कई दफा इस तरह की चीजें नेक शगुन होती हैं कि बगैर बेसरो सामानी की कैफियत में पहुंचते हैं और वो कहते हैं ना, फट्टे चक देते हैं कि भाई चल भाई। अब अगला बोले भाई अभी 2 दिन पहले तुम्हारे पास कोच नहीं था, 2 दिन पहले तुम्हें ये नहीं पता था कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, जो रिजर्व आया था वो आके कूटना शुरू हो गया, इनका कोई पता नहीं होता। बात, लेकिन अब हम तो चले अपना बेसरो सामानी की हालत में जाते, लेकिन सामने वाले जो है ना सोच समझ के आते। हाँ आईसीसी ने पहला मैच 2019 का इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ रखा था, जबकि इंडिया का पहला मैच किससे था? क्या इंडिया का शायद पहला मैच आप इंग्लैंड। सोच सकते? हाँ इंडिया का, पाकिस्तान 3 मैच खेल चुका था हाँ जब ट्रू इंडिया बात। का पहला मैच था उस दिन। तो आप समझ सकते हैं ना कि हर चीज को देख के मतलब इतनी पावर है एक बोर्ड में कि वो अपने मैचेस तक इस कैजुअल इस तरह करते हैं कि हम पे प्रेशर कम हो जाए। जब आपको पता होता है ना कि रिजल्ट क्या है और हमें क्या अचीव करना है, तो थोड़ा सा आपका टास्क आसान हो जाता इसलिए है। जब फुटबॉल में आप, ठीक होता है कि ग्रुप मैच के सारे ग्रुप मैच एक साथ में होते हैं आखिरी वाले। हाँ, आखिरी ग्रुप मैच जो है वो कंफर्म एक साथ करते हैं वो, क्योंकि आपको पता हो ना कि भाई आपको पता नहीं होगा तो आप यकीनन थोड़ा सा मैच, अगर आपको 1-1 करना हो गोल तो आप 1-1 करके मैच को डल कर दोगे, तो वो खत्म हो जाए। चलें खैर यहीं तक अभी ये रखते जो हैं। मैं, हाँ बस मैं एक चीज इसमें ऐड कर, जब आप ये तीन टीमें इनमें से देख रहे हैं ना, तो ये तीनों जो है ना फॉरेन कंडीशंस में ही खेलती आ रही है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अभी होके गया है, वेस्ट इंडीज की थोड़ी लो विकेट थी, वहां पे 4-1 स्कोर था सही है। और न्यूजीलैंड तो खेला ही नहीं है कुछ अरसे एशिया में, और इंग्लैंड जो है वो जनवरी फरवरी का खेला हुआ है लास्ट, उसके बाद से उन्होंने भी नहीं खेला। पाकिस्तान का टूर उन्होंने कैंसिल कर दिया, तो कहीं ना कहीं रस्टीनेस होगी। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयर वहाँ आईपीएल खेल रहे थे, हर जगह पे पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के पास और उनके पास ना ऑस्ट्रेलिया के पास एक लैकिंग है कि वो लोग जो है ना, ऑस्ट्रेलिया भी कुछ ज्यादा ही T20 सोचने लगा। मतलब आप थोड़ा लिमिटेड सोचो ना कि यार आपको मैच भी तो जीतना है ना, या सभी आपने पावर हिटर्स या सब ये लोग जिन लोगों से मैचेस जीतना चाह रहे हैं ना, ये उन लोगों से मैचेस जीत नहीं पाएंगे। हाँ मुझे स्वेप्सन को और जैम्पा को बॉलिंग करते हुए देख ऑस्ट्रेलिया में चलें मजा यहीं तक आएगा। रखते हैं वीडियो को। आखिरी पॉडकास्ट बता